मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए रीवा के एयरोड्रम में कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री से उन्होंने चर्चा की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खास रणनीतियां तैयार की गई है। रीवा दर्शन के एडिटर इन चीफ जावेद अंसारी ने तीन तीन पूर्व महापौरों से एक खास मुलाकात करी और चुनावी माहौल के बारे में जानकारी ली। आइए आपको लिए चलते हैं क्या रहा चर्चा में खास बिंदु। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन, मैं जावेद अंसारी। इस समय हम मौजूद हैं रीवा के एयरपोर्ट पर। अभी अभी यहाँ पर थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उड़कर सीधी गए हैं जहाँ उनकी चुनावी सभा है। हमारे साथ यहाँ रीवा के तीन महापौर मौजूद हैं, दो पूर्व एक वर्तमान। आइए इनसे बात करते हैं, चुनाव का दौर है, इनकी क्या सोच है। सबसे पहले आप ये बताइए, ये विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसमें आपकी पार्टी की स्थिति क्या है? हमारी पार्टी की स्थिति सदैव अच्छी है और रहेगी, और पिछली बार से ज़्यादा मतों से पार्टी जो है रीवा विधानसभा का चुनाव जीतेगी, क्योंकि हमारी पार्टी में कार्यकर्ता बेस पे चुनाव हो रहा है, ना कि नेता बेस पे। नेता तो अपना काम कर रहे हैं, संगठित पार्टी है और कार्यकर्ता के आधार पर ही चुनाव जीतना है, और आने वाले समय में हम लोग भारी मतों से रीवा विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। चुनाव नज़दीक आ रहा है, बिल्कुल चंद दिन बचे हैं, विकास के मुद्दों की बात कम हो रही है, बाकी बातें ज़्यादा हो रही हैं, क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो स्पष्ट नारा है सबका साथ सबका विकास, इसलिए हम तो ये मानने को तैयार नहीं कि विकास के मुद्दे से की बात नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी जब भी और जहाँ भी चुनाव लड़ी है, जहाँ जहाँ हम सरकार में हैं वहाँ हम विकास के आधार पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, और पिछली बार भी रीवा जिले में भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक चुनकर आए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि हम 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। रही रीवा विधानसभा, रीवा विधानसभा का प्रत्येक मतदाता आंदोलित है 28 तारीख को देखने के लिए कि किस दिन वो 28 तारीख आए और EVM में वो कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाए। आप महापौर हैं, ऐसे कौन से काम हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र, प्रदेश और नगरीय निकाय तक है। मैं यही कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के मुद्दे पर जनता के बीच खड़ी है। हम अपने संकल्प के साथ सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारा ये पूरा विश्वास है कि रीवा की जनता, रीवा जिले की जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास पर कि न नारे पे न नाम पे वोट पड़ेगा, काम पे। और हमने काम करके जनता के बीच अपने को खड़े होने का कार्य किया है, और हम विश्वास के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से विजयी होगी। पहले जब आप महापौर हुआ करते थे उस समय के रीवा और आज के रीवा को आप किस तरीके से देखते हैं? उस समय के रीवा सीमित साधनों के कारण उस समय भी विकास हुआ, और आज के समय माननीय मंत्री जी के प्रयास से धन की कमी नहीं है, केंद्र की राज्य सरकार की योजनाओं का पैसा लाके रीवा को उन्होंने विकास कराया है। अब विकास के कारण ही आज रीवा का शहर राम पूरे भारतवर्ष में अंदर आता है। जो उनके द्वारा दी गई सौगात है, सोलर प्लांट, मुकुंदपुर, और साथ साथ शहर का विकास इतनी तीव्र गति से हुआ है कि इसके कारण जनता अभी ये चाह रही है कि आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और जो रुके कार्य विकास के वो हो सके। अभी आपको लगता है रीवा में किस चीज़ की कमी है? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, हम कितने भी विकास करते जा रहे हैं उसके बाद भी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि हम लोगों ने तय किया है, मंत्री जी ने भी अपने विचार में कहा है कि रीवा में अभी पार्कों की कमी है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। रीवा में अभी स्पोर्ट्स के लिए अपने को मैदान बनाने हैं, तो इसलिए विकास ये हर चरण में बढ़ता ही जाएगा। अभी हमने सड़क, बिजली, पानी के क्षेत्र में काम किया, हमने पानी पेयजल के क्षेत्र में काम किया, सीवर लाइन के क्षेत्र में काम चल रहा है, और आगे आने वाले समय में हम स्वास्थ्य, शिक्षा और खेलकूद इनके लिए और स्वास्थ्य के दृष्टि में बढ़ावा देंगे। और यही कारण है कि रीवा में भारतीय जनता पार्टी के लगातार हमारे माननीय मंत्री जी विजयी हो रहे हैं, और लगातार 5 बार रीवा का मेयर भी बीजेपी का हुआ और 6वीं बार भी बीजेपी का मेयर होगा और विधायक होगा। अभी आपको ऐसा क्या लगता है कि आपने, आपके कार्यकाल में ऐसी कौन सी कमी है जिसको आप निकट भविष्य में पूरा करने जा रहे हैं?
नहीं, कमी कहीं किसी तरह की नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सार्वजनिक जीवन की आवश्यकता होती है सड़क, पानी, बिजली, ये पूर्ति तो है ही है हमारे शहर में, पर इससे बढ़कर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यक्तिगत जीवन, रोटी, कपड़ा और मकान तक की व्यवस्था कर रही है। इतनी संवेदनशील सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो हम सबको मालूम है कि जनता जनार्दन भाजपा के साथ है। जैसा कि हमारे महापौर, हमारे पूर्व और वर्तमान महापौर ने बताया, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी उनकी पार्टी काम कर रही है। उनके इस काम को देखकर उनको ऐसा लगता है कि वो निकट भविष्य में अगली बार भी, चौथी बार भी सरकार बनाने जा रहे हैं। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।